ले लो, फूल भी ले लो। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे अलकनाथ मंदिर, स्पेशली यहाँ अलकनाथ मंदिर दर्शन करने। अब चलते हैं, आज दिखाऊंगा पूरा डिटेल में कैसा है मंदिर, क्या क्या है। उस दिन तो बहुत भीड़ थी। तो ये है इसका विशाल दरवाजा, तो कितना बड़ा दरवाजा है। बस अब करते हैं एंटर। बेटे इधर से आना, इधर से। आ जाओ। कितना बड़ा मंदिर है। बहुत बड़ा मंदिर है यार। आ जाओ, साइड से आना, साइड से, इस तरफ से। शाम हो रही है तभी मंदिर खुला है लगता है। साफ सफाई धुलाई का काम हो रहा है। देखो बहुत ही बड़ा मंदिर है। अनु हाय बोलो। ओम नमः शिवाय के, ओम नमः शिवाय। देखो डॉगी बैठा है, डॉगी बैठा है। देखो अनु, देखो डॉगी बैठा है। ऐसे बाबाओं के बैठने की जगह है। अरे देखो ये है पुराना, ये है वो पुराना मंदिर। बैठे देखो, उस पेड़ के जड़ के अंदर जाएंगे भी अंदर। हाँ बाहर हमें आराम से जाना, बहुत पानी है बहुत। इसलिए बाबा का तो जय कर लें, पूजा करो। जय जय। देखो ये पीछे जो है ना, ये जो है ना, इसके अंदर कितने बड़े बड़े घंटे लगते हैं। देखो गौर से दिखाता हूँ, ये पूरा पेड़ है ऊपर से लेके, ये देखो ये पूरा पेड़ है, और ये नीचे देखो ये पूरी जड़ सीमेंट का पोर्शन बना हुआ है। इस सीमेंट के पोर्शन में हम इस दरवाजे से होकर अंदर जाएंगे पूरा नीचे की तरफ, और वहाँ शिवलिंग है, अपने आप प्रकट हुए हैं स्वयंभू। वहाँ चढ़ाएंगे जल, अब भोलेनाथ के दर्शन करेंगे और फिर बाहर आएंगे। और बाहर निकल के देखो पीछे भी मंदिर है, बहुत ही बड़ा मंदिर है। देखो कितने बड़े बड़े घंटे लटके हुए हैं। बजाओ क्यों नहीं बजाओ, बजाओ बजा पाओगे? अनु आप भी बजा दो, बजा दो, बजाओ ना। चलो चलो आओ, चलो आराम से पानी पड़ा होगा। यहाँ से नीचे उस दिन तो बहुत भीड़ थी, कुछ देख नहीं पा रहे थे ना। जय जय महादेव। बाबा लखनाथ जल, चलो हाथ लगाओ। बड़ा पेड़ है। अरे देखो पेड़ की जड़, हाँ पेड़ की जड़ के अंदर है। देखो ये देखो पेड़ की जड़ के अंदर है, ये देखो। तो दर्शन करते निकला है, और यहाँ देखो लोगों ने मन्नत के लिए ना वो बांध रखे हैं, प्लास्टिक के धागे बांध रखे हैं मन्नत के लिए। यहाँ बांधने से मन्नत पूरी होती है, फिर लोग आके इसको खोलते हैं। अगर वाइड एंगल व्यू दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिए कितना बड़ा बना हुआ है ये पूरा, ये देख रहे हो पूरा,
विष्णु जी बैठे हैं, उधर वो गोवर्धन पर्वत है और उधर भोलेनाथ और पार्वती जी की शादी हो रही है। ये देखो भोलेनाथ और पार्वती जी की शादी हो रही है। ये कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठा रखा है। अरे भगवान देखो शीर सागर में बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, अरे रमी है गरुड़ भगवान जी। खास बात यह है कि पूरी जड़ के अंदर भगवान है, पेड़ सूखा नहीं है, सबसे बड़ी बात ये देखो ना, कहीं भी सूखा पत्ता दिख रहा है कोई नहीं, लगाया थोड़ी किसी ने, निकले ये अपने आप प्रकट हो गए। अरे पूरा रास्ता बना रखा है देखो अंदर जाने का ना, देख रहे। पर एक वाला पत्थर भी तो है जो राम सेतु में डाला गया था, वो पानी में तैर रहा है कोने में, बता रहे हैं। तो यहाँ भी एक पत्थर है जो राम सेतु वाला पत्थर है, जब भगवान राम ने लंका पार करने के लिए, लंका पहुँचने के लिए सेतु बनाया था, उसका एक पत्थर यहाँ पर रखा गया है, वो पत्थर पानी में तैर रहा है। छोटा सा रह गया पत्थर, वो इससे छोटा सा रह गया। अच्छा ऊपर रखे हैं ये वाले पत्थर, ये रखे हुए पत्थर ऊपर, ये रखे हुए पत्थर, ये पत्थर रखे हैं। अभी पानी भर जाएगा ना, फिर तैरेंगे, पानी भर रहे हैं इसके अंदर, ये सारे वही पत्थर हैं दिख रहा है, ये पत्थर रखे हुए ना, जितने पत्थर रखे हुए सारे वही पत्थर हैं, और जैसे ही इसके अंदर पानी भर जाएगा तो ये तैरना शुरू हो जाएंगे। अभी साफ सफाई का काम चल रहा है, ये वही पत्थर है, ये जो पत्थर है वो रामायण टाइम से है और पानी भर रहे हैं यहाँ पर है, ये जो रखा हुआ है जो बना हुआ इसमें पानी भर रहे हैं, पानी के अंदर पानी में तैरता रहता है। आ जाओ उस तरफ चलते हैं। शनिदेव का मंदिर बनाया हुआ है, पीछे शनिदेव का मंदिर है, अब यहाँ से रास्ता है, इस रास्ते से जाएंगे, वहाँ शनिदेव का मंदिर बना हुआ है। ये देखो कितने धागे बांधे हुए हैं, पूरे मन्नत से बांधे हुए, और ये देखो कितने सारे धागे बांधे हुए हैं। पूरा शनिदेव भगवान का मंदिर है, कभी आइए बरेली पे जरूर आइए, उसमें दर्शन करने। हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे सामने बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए, पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत खुला हुआ मंदिर था, अब पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया, लोगों ने बहुत कंस्ट्रक्शन करा दिया है, बहुत ही शानदार मंदिर है बरेली का, बहुत ही माना हुआ मंदिर है, ज़रूर आइए, भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए हैं, जो मन्नत मांगेंगे पूरी होगी बाबा लखनाथ से, आइए दर्शन करिए यहाँ पर। अब चलते हैं बाहर, दिखाता हूँ आपको हनुमान जी की मूर्ति, बहुत बड़ी मूर्ति बनी है, अभी नई बनाई गई है, प्रसाद भी मिल रहा है यहाँ पर, हलवा पूड़ी और क्या था, चने बूंदी, हाँ पूरी 51 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति, अभी शायद 2-3 सालों में बनाई गई है, 51 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति है। ये मूर्ति बने कितना टाइम हो गया, 2-3 साल हो गए ना, अभी ज़्यादा टाइम हो गया। ऐसी करोल बाग में एक मूर्ति बनी हुई है, वो थोड़ी सी शेप अलग है बट ऐसी ही बनी हुई है करोल बाग, और ये बरेली में बना दी गई है, 51 फीट ऊंची मूर्ति है, क्योंकि प्रदोष पूजन होता है तो यही होता है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, कितना बड़ा ग्राउंड है यहीं पर होता है, गदा देख रहे आप, ये देखो गदा देखो कितनी बड़ी है, बाप रे बाप, पूरा आ भी नहीं पा रहा है कितनी बड़ी गदा है, बहुत मस्त यार, जरूर आओ, जरूर दर्शन करो यहाँ पर आके। अब फटाफट चलते हैं, प्रसाद ले लेते हैं, अब चलो वहाँ प्रसाद ले लेते हैं, वो आंटी प्रसाद दे रहे हैं, तो प्रसाद ले लेते हैं फटाफट, भरा हुआ मिलेगा, ये देखो।
पूजा की थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, आपको सबको मिलेगा। हाँ दे दीजिए गंगा भाई। गाड़ी में खाली है, ले लेंगे ले लेंगे और चाहिए उधर रख लो साइड में, आगे हाथ दबा के ले जाओ। लोग बातें करते जा रहे हैं, बहुत ही बड़ा मंदिर है, तो पहली बार आया उसे ऐसे ही लगेगा, हमको खुद यहाँ रह के बड़ा मंदिर लग रहा है। बड़ा मंदिर है यार, बहुत एकड़ों में फैला हुआ है, बहुत प्रॉपर्टी मंदिर की, बहुत बड़ा मंदिर है। दिवाली किस चीज़ की होती है? ये मन्नत है, हाथ में मानने वाला है। नहीं किस चीज़ के लिए होती है? मंदिर मानने के लिए, हाथ में मानने के लिए? हाथ में मानने के लिए। रूनी वेरा तले ये बज रहा है मुझसे। ऐसी बस्ता यार, ऐसी बस्ता। क्या बात है? अनु के लिए हम क्या लेकर आए? अनु ये देखो, ये देखो, ये देखो, अनु अनु पापा क्या कह रहे, क्या है ये बोलो? देख रहे खा रहे, अब बाद में कर, खा लो, खा लो, घर जाके देख लेना। हेलो, पूरी मिली है, आलू टमाटर की सब्जी मिली है और सीताफल की सब्जी मिली है और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही टेस्टी है। ऑफर ले लेंगे, बट आए तक सब खत्म हो चुका था। भर भर के खिला रहे हैं वो, हाँ बूंदी का प्रसाद भी है, बूंदी का भर भर के खिला रहे हैं, भर भर के। तो अगर यहाँ मंदिर कभी आते हो ना तो आपकी खाने की व्यवस्था तो हो जाएगी। अरे अपना मोबाइल बंद करो बेटा जरा। तो आपको यहाँ पर तो भंडारे में आपको भोजन जरूर मिल ही जाएगा, बहुत ही बढ़िया भोजन, तो आ जाओ परिवार के साथ। और लोग टूरिस्ट की तरह आ रहे हैं यहाँ पर, टूरिस्ट की तरह भर भर के आ रहे हैं, लोग आपस में बातें कर रहे हैं, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। आओ यार बरेली कभी आओ तो अलखनाथ मंदिर में दर्शन करने जरूर आना। सावन में तो बहुत ही ज्यादा गदर रहता है, लेकिन अभी भी गदर है, दर्शन बहुत आराम से हो जाएंगे आपको, लेकिन मंदिर में भीड़ रहती है, बहुत आराम से दर्शन इस समय हो गए। 4 बजे आओ करीब मंदिर खुलता है, 2 बजे धुलाई वुलाई हो रही थी, सब साफ होता है। थोड़ा सा और लेट आओगे तो वहाँ भी जल भरा मिलेगा आपको, पत्थर छूने का मौका मिलेगा, पानी में तैरते हुए देखने का मौका मिलेगा, तो चमत्कार से भरा हुआ मंदिर है, जरूर आओ। अब हम निकलते हैं फटाफट घर के लिए, अंधेरा होने वाला है, घर पहुँच के बात करूँगा आपसे। तो अब हम लोग आ गए घर पे वापस, मंदिर में जाके बहुत ही मजा आया और फैमिली के साथ बहुत दिनों बाद जाने का मौका मिला दर्शन करने के लिए। सावन के टाइम पर गए थे, बहुत थोड़ी देर के लिए गए थे, बहुत भीड़ थी, इतने आराम से दर्शन नहीं हो पाए थे, बट दर्शन हो गए थे। मंदिर में आपने देखा कितने सारे लोग आ रहे थे, बहुत बड़ा मंदिर है, मज़ा आया घूमकर और मन को भी अच्छा लगता है संडे वाले दिन मंदिर जाकर। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा। एक नुकसान हो गया, लेकिन घड़ी टूट गई यार, घड़ी का शीशा टूट गया, फिर रात ही हो गया था मुझे लगता है। खैर, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आज का ब्लॉग आपको आया होगा पसंद तो उसको कर दीजिएगा लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो कर सकते हैं उसको सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान, टेक केयर, बाय।